यहां पर मनोज मास्टर वापस एक बार तशरीफ ला चुके हैं। वापस हम मनोज मास्टर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि अपना कीमती वक्त लेकर वो यहां पर आए हैं। हम शुक्रगुजार हैं उनका। तो सलामी जोड़ी यहां पे जीबी दरबार राकेश कोहर के रूप में, विक्रांत जो गेंदबाजी की बहुत सारा क्राउड जिमी दरबार की बैटिंग देखने के लिए बेताब है। वो ऐसी एक शख्सियत है कि हर मास्टर को जानते हैं। जिमी दरबार हर मास्टर को जानते हैं, इस ग्राउंड से बहुत वाकिफ है, बार बार हमने यहां पर उनको देखा है। तो जिमी दरबार को देखने के लिए तकरीबन 5,000 क्राउड यहां पर मौजूद है। इस बार अब कट किया बहुत अच्छी तरीके से, डीप में वहां पे फील्डर तैनात है और बहुत अच्छी तरीके से यहां पे 2 रन मुकम्मल किए गए जिमी दरबार और राकेश कोहर की जोड़ी यहां पे बीच मैदान में। और देखा जाए तो शुरुआत यहां पे की गई है विक्रांत, मयूर 11 राज शक्ति, आरजे ग्रुप ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, लेकिन वाइड का इशारा, एक बेस्ट वर्सेस बेस्ट का यह मुकाबला चलता हुआ। 6 ओवर का मुकाबला जहां पे पहले 2 ओवर पावर प्ले, शॉट बहुत अच्छी तरीके से खेला गया सामने जमीन के समानांतर स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां पे खड़े थे, बहुत अच्छी तरीके से रोका गया मिड ऑफ के ऊपर। सौराम जयपुर और बहुत अच्छी तरीके से वहां पे प्रीतम बारी ने उसे कैच में तब्दील किया। देखा जाए तो एक लंबी बाउंड्री यहां पे तय की गई थी, लेकिन उसे क्लियर करने में जिमी दरबार नाकामयाब रहे और पहली सफलता यहां पे दिलाते हुए विक्रांत चव्हाण और प्रीतम बारी, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। जिमी दरबार हैज टू डिपार्ट और यहां पे देखा जाए 3 रन के ऊपर पहला विकेट, पहला झटका लगा मयूर 11 राज शक्ति को। राज भाई एक बात वापस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ISPL के 5-5 खिलाड़ी यहां पर मौजूद है, तो आपका क्या कहना है इस बारे के अंदर, इस ग्राउंड पे 5 खिलाड़ी ISPL से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कमेंट्री करते हुए? तरीके से वो देखा जाए तो जैसे कई कबार जो लेदर बॉल टूर्नामेंट अगर IPL में से कोई खिलाड़ी अगर लेदर बॉल में खेलने आता है ना, तो उस प्रकार से जो माहौल बनता है ना, बस वही माहौल यहाँ पे बना है, क्योंकि IPL बिल्कुल ISPL IPL लेवल के बराबर आ चुका है, फ्रेंचाइज क्रिकेट बन चुका है, एक बहुत बड़े पायदान के ऊपर सभी देखा जाए तो बॉलीवुड के स्टार उसमें जुड़े हैं, तो मतलब एक लेवल बहुत बड़ा, ऐसे खिलाड़ी अगर यहाँ पे उतरेंगे वो भी सूरत की धरती पे, तो भी देखने वालों को भी मजा आएगा और हम जैसे सभी जो प्रशंसा करने वाले जो प्रशंसक उनको भी मजा आएगा। तो एक बेहतरीन यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया गया है पंचीवाला मास्टर की ओर से। और यहाँ पे थोड़ा स्लॉग करने का प्रयास था, थोड़ी देर जरूर वहां पे गेंद हवा में रही थी, लेकिन फील्डर से दूर थी, उनके ऊपर से गेंद गई। और नए बल्लेबाज जो वहां पे पार्थ बिट्टू, एक बेहतरीन क्रिकेटर है पार्थ बिट्टू की बात की जाए तो, पिछले कुछ सालों में जो इन्होंने अपना एक नाम बनाया है, अपना जो इन्होंने एक मकाम बनाया है, बिल्कुल अपनी मेहनत के दम पे एक ऑलराउंडर है और बैटिंग भी बहुत बढ़िया है इनकी, गेंदबाजी भी उतनी ही सटीकता के साथ करते हैं, तो कंप्लीट पैकेज है, किसी भी टीम के लिए एक प्राइज एसेट के रूप में खेलते हैं। इतने बड़े टूर्नामेंट में इनको यहां पे शामिल किया गया है मयूर 11 राज शक्ति के द्वारा, तो मतलब इनका रुतबा थोड़ा और बढ़ता है।
ये शॉट बड़ा है लेकिन हवा में ज्यादा ऊंची है ओमकार देसाई, लेकिन वहां पे गेंद निकल गई चार रनों के लिए। उतना आसान होता नहीं, दिन की रोशनी में अगर आप देखोगे तो थोड़ा आपके लिए मौका रहता है, लेकिन रात में फ्लड लाइट की रोशनी में जब इतने ऊपर से गेंद आती है तो वो थोड़ा दिक्कत जरूर पैदा करती है फील्डर के लिए। और देखा जाए तो गेंद बहुत ज्यादा थोड़ा वॉवल भी कर रही थी वहां पे, एक बड़ा शॉट चाहते थे राकेश कहर, लेकिन मैं मानूंगा कि एक जीवन दान मिला है उनको। ये स्वर्णाम जैप करने का प्रयास, लेकिन काफी करीब से बॉडी लाइन अटैक वहां पे किया गया था, क्लोज टू द बॉडी गेंद गई। और अब एक अच्छा ओवर विक्रांत का यहां पे गुजरा, आठ रन दिए अपने ओवर में, एक सफलता। तो मयूर इलेवन राज शक्ति पहले ओवर की समाप्ति के बाद आठ रन एक विकेट के नुकसान पे। वापस एक बार जय शिव ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। एक बहुत बड़ी मैच यहां पर हो रही है, सारे दर्शकों का नजर मैदान की तरफ है और बहुत ही खूबसूरत माहौल के बीच में मैच खेला जा रहा है। उसका श्रेय जो है पंछीवाला मास्टर को जाता है, उनके दो बच्चे हैं जयराज पंछीवाला और शिवम पंछीवाले को। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने यहाँ पर जो एटमोस्फेयर बनाया है, बहुत ही देखने से ही बनता है। वो गेंदबाजी के ऊपर अब किसको लाया जाएगा वो भी एक सवाल रहे, क्योंकि बहुत सारे विकल्प है। अगर आरजे ग्रुप की बात की जाए तो मलिक, इरफान मलिक को अब इंट्रोड्यूस किया गया है गेंदबाजी के ऊपर। इस मुकाबले में एक परिवर्तन के तौर पे इरफान मलिक को इस टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रीतम बारी, वो भी एक अच्छे गेंदबाज है, वो भी आपको गेंदबाजी के ऊपर नजर आएंगे। अखिलेश सिंह वो भी एक बेहतरीन तेज गेंदबाज जो नासिक से बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ पे आपको नजर आएंगे। राकेश प्रभु एक लेजेंडरी क्रिकेटर, तो बहुत सारे देखा जाए तो विकल्प है इनके पास और सभी तजुर्बेकार एक विकल्प है। और अब यहाँ पे देखा जाए तो पावर प्ले का ये आखिरी ओवर होगा, दो फील्डर आपको बाहर मिलेंगे। फिलहाल तो थर्डमैन के साथ पीछे शॉर्ट फाइन लेग है, बाहरी किनारा लगा, लेकिन गली के ऊपर जब तक उसे उठाया जाएगा ओमकार देसाई वहां पे, लेकिन सिंगल अच्छी तरीके से वहां पे पार्थ ने मुकम्मल किया। बैकवर्ड पॉइंट के साथ अगर आप देखोगे तो स्वीपर कवर सर्कल की एज पे है, एक फील्डर मिड ऑन के ऊपर आपको नजर आएगा विशाल सिंह के रूप में, विक्रांत के रूप में फील्डर मिड ऑफ के ऊपर खड़ा है। फिर उसके बाद सुनील चावरी अगर देखा जाए तो बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, गली के स्थान पे करण मोरे, इस बार बहुत अच्छी तरीके से गैप में गेंद को डाला है, लेकिन दो रन के लिए पलटवार किया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पे तालमेल देख लीजिए पार्थ बिट्टू और राकेश कहर के बीच में। तीसरा भी चाहते थे राकेश, लेकिन वहां पे मना किया। एक बेहतरीन एक कॉन्टेस्ट देखने को यहां पे मिल रहा है, आर या पार की ये लड़ाई है, क्योंकि इम्पेरेटिव ये कंडीशन है। दोनों टीम को पता है कि जीतना बहुत जरूरी है टॉप थ्री में अगर पहुंचना है तो। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वाइड का इशारा, दो टीमें ऑलरेडी वैसे देखा जाए टॉप थ्री में पहुंच चुकी है, जिसमें दो टीमें जो हमें मिली है, एक जयसी इलेवन दूसरी डीवी टाइटन्स इलेवन, तब तलाश है तीसरी टीम की। तीन टीम जब हमें मिल जाएगी उसके बाद बॉल आउट होगा, बॉल आउट के जरिए भी तय होगा कि कौन सी टीम फाइनल में जाएगी। इस बार अच्छा शॉट खेला गया है और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और प्रयास वहां पे जरूर किया गया था। अच्छी एक रनिंग हमने देखी वहां पे, 14 रन। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में इरफान मलिक के द्वारा, तेज तरार गेंदबाज है, गति में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं।
इस बार छोटी भटकी हुई गेंद थी, बहुत अच्छी तरीके से गेंद डिलीवर हुई थी, लेकिन वहां पे वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, एक वेल डायरेक्टेड बाउंस लगाने का प्रयास और एक वन बाउंस का इशारा भी वहां पे किया गया अंपायर की ओर से। इस वाइड की मदद से 15 रन यहां पे रन संख्या आगे बढ़ती हुई। ऑफ साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि पीछे एक गली में बैकवर्ड पॉइंट में स्वीपर कवर में फील्डर, उसके अलावा एक फील्डर जो खड़े एक्स्ट्रा कवर पे, मिड ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास वहां पे राकेश कोहर के द्वारा, लेकिन ठीक तरीके से गेंद कनेक्ट हुई नहीं। तेज गति से बल्ला तो चला और सामने देखा जाए तो गति भी थी गेंदबाज की, लेकिन वो जो संपर्क होना चाहिए वो हुआ नहीं, पैरों वहां पे पैरों पे गेंद टकराई और अतिरिक्त में लेग बाई के जरिए रन गिना जाएगा। फिलहाल रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16 रन। अच्छी गेंदबाज यहां पे इरफान मलिक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है एक परिवर्तन के तौर पे टीम में इनको। इस बार स्वीप किया है बहुत अच्छी तरीके से जमीन के समानांतर स्ट्रोक, सुनील चावरी और मंगेश वैती जरूर उनके द्वारा वहां पे चेस किया गया बहुत अच्छी तरीके से। वहां पे गेंद को इन्होंने रोका भी, लेकिन फिर भी वो रन लेने से नहीं रोक पाए और अंत में यहां पे अब 18 रन बने हैं। एक गेंद अभी भी यहां पे पावर प्ले की बची है। एक फील्डिंग एफर्ट बहुत ही आपको हार्ड नजर आएगी, क्योंकि ये जो मुकाबला है कांटे की टक्कर है। यहां पे दोनों टीमें मजबूत दावेदार है, एक से बढ़कर एक सितारे दोनों टीम में आपको मिलेंगे। 18 रन फिलहाल। और मरु इलेवन राज शक्ति की बात की जाए तो बल्लेबाजी में गहराई बहुत है। बंटी पटेल है, जीत पटेल है, साहिल वर्मा, संकेत टंडेल। एक्रॉस खेलने का प्रयास वहां पे, विकेट कीपर बीट हुए राकेश प्रभु वहां पे विकेट कीपर की भूमिका में। और अब यहां पे देखा जाए तो पावर प्ले समाप्त हुआ, दो ओवर की समाप्ति होने के बाद 19 रन मयूर इलेवन राज शक्ति का स्कोर, 19 रन एक विकेट के नुकसान पे। तो एक तरीके से नफीतुली गेंदबाजी दोनों गेंदबाजों के द्वारा, इरफान मलिक और विक्रांत चौहान के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत यहां पर एटमोस्फियर है, यहां पर तहे दिल से हम विजय भाई वाई वाले का स्वागत करते हैं जो यूके से है और अभी अभी यानी एक दो दिन के अंदर इंडिया आए हैं और पंछीवाला मास्टर के फैमिली फ्रेंड है और जयराज पंछीवाला उनके जो बाजू में बैठे हैं वो तकरीबन बहुत ही अच्छे दोनों फ्रेंड है। तो मैं हम तहे दिल से विजय भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, अपना जो टाइम दिया है पंछीवाला मास्टर को, तहे दिल से हम उसका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। 19 रन दो ओवर की समाप्ति होने के बाद। गेंदबाजी के ऊपर फिर से आपको कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे विक्रांत चौहान। पहला ओवर अच्छा रहा था, एक अच्छे गेंदबाज है। अगर कटर गेंदबाजों की बात की जाए तो विक्रांत चौहान एक ऐसे क्लेवर गेंदबाज है जो दोनों तरफ घुमाना जानते हैं। इनकी गेंदें लेग कटर के रूप में भी जाती है, ऑफ कटर के रूप में अंदर भी आती है और गति भी है, तेज भी बहुत अच्छा डालते हैं, मिश्रण बहुत सारा इनके पास है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थोड़ी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। प्रतीक पटेल अंपायर की भूमिका में, वहीं केतन आहिर स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे हमारे साथ तीसरे अंपायर की भूमिका में, अर्जुन टंडेल सर। पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है 1010 स्पोर्ट्स लाइव चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को फॉर द लाइव एक्शन ऑफ दिस जेएसयू प्रीमियर लीग। अभी और उर्विल की जोड़ी यहां पे स्कोरर के रूप में। इस बार अच्छी तरीके से गेंद को डिलीवर किया गया और वहां पे देखा जाए ऑकवर्ड बाउंस, लेकिन थोड़ा आगे निकल गए थे मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से इसे रोक नहीं पाए। थोड़ा एक तरीके से देखा जाए आकाश सिंदरिया वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे, थोड़ा मैं मानूंगा जो एंटीसिपेशन गलत हुआ, थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए थे।
फिलहाल देखा जाए 22। इस बार बहुत अच्छी तरीके से खेला गया, तो फ्री हिट के ऊपर देखा जाए बिल्कुल नजरों के नीचे ये शॉट खेला इन्होंने, फील्डर वहां पे डीप में खड़े थे और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये जो अच्छे क्रिकेटर है उनकी यही निशानी रहती है कि फील्डर के ऊपर ये दबाव बनाते हैं, जहां पे सिंगल उसे डबल में तब्दील कर दे, बड़े शॉट आ नहीं रहे लेकिन फिर भी स्कोर कार्ड को लगातार चलाते हैं, यही सही क्रिकेट है। इस बार देखा जाए तो एक अलग इंप्रोवाइज के जरिए वो रैम शॉट जो लैप शॉट जिसे कहते हैं ना, उस प्रकार का ये कुछ शॉट खेलना चाहते थे। ये फियरलेस क्रिकेट है, वैसे भी क्रिकेट मॉडर्न टेनिस क्रिकेट बिल्कुल अब फियरलेस डाउनलेस बन चुका है। 24 रन ये शॉट अच्छी तरीके से पढ़ लिया है सामने, बहुत अच्छी तरीके से मैक्सिमम जड़ा है राकेश कहर। पिछली गेंद थोड़ा ऊपर डाली थी तो वहां पे इंप्रोवाइज करना चाहते थे, इस बार बिल्कुल इनके पाले में, बल्लेबाज के पाले में मतलब बाउंड्री के हवाले में। फिलहाल यहां पे मयूर 11 रन शक्ति 30 रन एक विकेट के नुकसान पे। अच्छा शॉट था बिल्कुल इनके बल्ले के नीचे गेंद आ गई और राकेश कहर जैसे बल्लेबाज को आप इस प्रकार की गेंद बिल्कुल भी नहीं दे सकते क्योंकि ये तैयार रहते, इनके पास वो बॉटम हैंड की ताकत और वो कलाई का फ्लिक होता है जो मैंने कहा ना कि सेंसेबल क्रिकेट है ये सब, वी में भी खेलना बहुत पसंद करते हैं ये। ये देख लीजिए पिछला शॉट था कॉपी बुक में, इस बार था बियॉन्ड द कॉपी बुक, बिल्कुल अच्छी तरीके से कंट्रोल के साथ नियंत्रण के साथ वहां पे रिवर्स स्वीप के जरिए इतना परफेक्शन, ऐसा लगा जैसे मानो राकेश कहर राइट हैंड बैटर ही हो, ऐसा बिल्कुल इन्होंने नजारा वहां पे प्रस्तुत किया, एक पिक्चरस्क मोमेंट। बहुत बढ़िया ताकत, बहुत बढ़िया एंटीसिपेशन, एक बहुत अच्छा वहां पे गेंद और बल्ले का संपर्क, स्कोर कार्ड में रन वहां पे 36 रन। राकेश कहर एक प्राइस टैग लगा के खेलते हैं, क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा नाम है इनका। इस बार प्रयास फिर से वहीं था रैम शॉट लगाने का लेकिन फिर से चूके इस बार भी, लेकिन डाउन द लेग वाइड का इशारा और इस वाइड की मदद से 38-38 रन और 22 के ओवर पहुंचे राकेश कहर। 9 गेंदों का मात्र सामना किया है, स्ट्राइक रेट देख लीजिए 244 का, 38 रन तीसरा ओवर। इस बार भी अलग तरीके से इंप्रोवाइज किया था पार्थ बिट्टू ने, थोड़ा अपना जो वेट है ट्रांसफर किया था, थोड़ा झुके वहां पे नाखुश अपने आप से, देख लीजिए वो जस्टिक्यूलेशन थोड़ा, क्योंकि इनका फेवरेट शॉट है, हमने इनको इस दिशा में फाइन लेग में लॉन्ग लेग में बहुत बार खेलते हुए देखा है इस शॉट को, लेकिन जब अपना फेवरेट शॉट कई बार नहीं लगता ना तो थोड़ा जस्टिक्यूलेशन तो दिखता है। फिलहाल 39 आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, स्ट्राइक पे राकेश कहर। हवा में है, ऊंची उठी है फील्डर, उसके नीचे प्रीतम, और प्रीतम बारी गलती नहीं करते क्योंकि पहला कैच इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिया था, ये तो इनके लिए सॉफ्ट डिस्पिसल था। सो राकेश कहर हैज टू डिपार्ट लुकिंग फॉर द बिग शॉट बट स्ट्रेट अप इन द एयर इन द 30-yard सर्कल, प्रीतम बारी मेक्स नो एनी सिंगल मिस्टेक एंड द सेकंड विकेट गोज डाउन। 39 के बाद दूसरा विकेट मयूर 11 राज शक्ति और 22 रन बनाए यहां पे राकेश कहर ने, और अब यहां पे बीच मैदान में उपस्थित हो रहे हैं बंटी पटेल और कमेंट्री बॉक्स में भी स्वागत होगा राज चौहान का।
देखिए अब 6 ओवर का मुकाबला चल रहा है तो एक रूल्स याद रखिएगा, 3 ओवर होते होते आपको गेंद चेंज करनी है तो कर लेना, बाद में चौथे और पांचवे ओवर में आप चेंज करना चाहोगे तो वहां पे आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, ये रूल्स है याद रखिएगा। अगर मेरी आवाज अब तक पहुंची है तो थैंक यू राजेश आचार्य सर, आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ पे ये मुकाबला मयूर 11 राजशक्ति वर्सेस यहाँ पे आरजे ग्रुप के बीच में मुकाबला, आरजे ग्रुप ने टॉस जीता था और पहले फील्ड करने का फैसला किया था, फिलहाल 39 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए विक्रांत चौहान ने 2 ओवर की 28 रन दिए, 2 सफलता और 14 की इकोनॉमी के बाद फील्डिंग के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब फिर से इस बीच इरफान मलिक को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर पार्थ बिट्टू है। वैसे पार्थ बिट्टू की एक पारी मुझे याद है, उसके क्रिक हीरोज के रिकॉर्ड के ऊपर एक सेंचुरी है लास्ट ईयर बलसाड़ DJRC क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में कोड़ी पटेल समाज की ओर से बेहतरीन सेमीफाइनल में सेंचुरी जड़ा था पार्थ बिट्टू ने। आज मौका है अपना कर्तव्य दिखाने का। और वैसे क्रिक हीरोज के हिसाब से देखा जाए तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट चिखली तालुका के अव्वल नंबर के बल्लेबाज है, कम से कम 4000 के नजदीक उसके नाम के ऊपर रन है। वो पार्ट बिट्टो पिलर स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर इरफान मलिक, अब कौन किसके ऊपर कौन बारी, पार्ट बिट्टो इस बीच 6 गेंद 6 रन और बल्ले का किनारा विकेट कीपर का सहारा। देखिए छेड़खानी करने के लिए गए, बहुत रफ्तार के साथ गुडलैंड स्पॉट के ऊपर थोड़ी सी आउटस्विंग गेंदबाजी जिसको कट करना चाहते थे और विकेट कीपर के ऊपर कोई गलती नहीं हुई और वहां पे राकेश प्रभु ने अच्छा कैच किया, विकेट का पतन। यहां पे 3rd विकेट चला गया 39 के ऊपर, मयूर 11 राजशक्ति वर्सेस आरजे ग्रुप के बीच में बहुत बेहतरीन क्वार्टर फाइनल मुकाबला। वैसे सुपर 3 में जयशिव 11 DV टाइटन्स पहुंच चुकी है, इसमें से जो जीतेगा सुपर 3 में प्रवेश करेगा, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके लिए इस पहले इनिंग की 3 ओवर का खेल बाकी है और दूसरे इनिंग की 6 ओवर का खेल बाकी है। जीत पटेल नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे पहुंच चुके हैं, जीत पटेल फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से एक बाया हाथ के खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है, इरफान मलिक सफलता उसके नाम है। अपने कोड़े का दूसरा पारी की ओर से 4th ओवर कॉम बॉक्स एंड की ओर से इरफान मलिक, एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी यहाँ पे सूरत की धरती के ऊपर जयशिव ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में डे नाइट मुकाबला। और इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया वहां पे जब तक फील्ड करते, यस इरफान मलिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बंटी पड़े स्ट्राइक के ऊपर सलमान दिया। देखिए इस बीच टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा उछाल मिला था, नो गेंद का कॉल है, इस बीच ओवरस्टेप के रूप में नो गेंद है वहां पे। देखिए एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, पैर मेरा वहां गिरा जहां चूना गम था, उस प्रकार से 2 गेंद दिया जाएगा ओवरस्टेपिंग के रूप में, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा यहां से। अब इरफान फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर बंटी पटेल वाइड यॉर्कर, देखिए इस बीच बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंद वहां पे बल्ले के ऊपर सजा नहीं पाए, सिंगल रन मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जरूर जोड़ा जाएगा यहां से बेहतरीन तरीके से एक अच्छा 42 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। बाएं हाथ के खिलाड़ी इस बीच वहां पे स्ट्राइक के ऊपर जीत पटेल, बहुत अच्छा शॉट, क्या शॉट खेला, देखिए पिकअप शॉट इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। देखिए जीत पटेल ने शॉट लगाया तो मुझे उसकी वो पारी याद आ गई, महुआ सूरत महुआ तालुका के ऊपर अंतर समाज में इसी प्रकार के 9 सिक्सर लगाए थे और चैंपियन करवाया था अपनी टीम को अंतर समाज में, इसी दिशा में इसी कवर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर पंच किए थे 9 सिक्सर,
जीत पटेल बेस्ट बैट्समैन बने थे, बेस्ट गेंदबाज बने थे और मैन ऑफ द सीरीज हुए थे जीत पटेल है स्टाइक के ऊपर। गेंद वहां से आ चुकी है, इस बीच गेंद को थोड़ा जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। वैसे स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन है, 3 विकेट के नुकसान के बाद मयूर 11 राज सकते। बहुत अच्छा शॉट, देखिए जितनी अच्छी गेंद उतना ही अच्छा स्ट्रोक, बॉटम हैंडल का इस्तेमाल किया था, पावर जनरेट किया था जीत पटेल ने। ऑन साइड के ऊपर फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर राकेश प्रभु के पास चली गई। इस बीच डॉट गेंद के साथ एक अच्छी वापसी बेहतरीन तरीके से, 48 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर मयूर 11 राज शक्ति वर्सेस आरजे ग्रुप के बीच में एक क्वार्टर फाइनल तीसरा। 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। ऑन साइड के ऊपर इस बीच वहां से रन लेने का प्रयास किया जाएगा, वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ एक रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर 49 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत अच्छा शॉट, देखिए इस बीच स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी, लेकिन उसके डोकिया वरुण सटकार, बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 55 रन, यानी कि वेलकम 50 मयूर 11 राज शक्ति, 55 रन बन चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 55 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद, बहुत ही बेहतरीन यहां पे करंट रन रेट देखिए, कम से कम 13.75 का चलता हुआ अनुमानित स्कोर 85 के आसपास जा सकता है। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है, पिछले ओवर में देखा जाए तो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिले, 16 रन बटोरे गए और 1 विकेट गया। इरफान मलिक ने अपने कोटे के 2 ओवर खत्म किए, 25 रन, 1 सफलता, 12.5 की इकोनॉमी के बाद फील्डिंग के ऊपर फिर से यहाँ पे अब गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन होगा, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला, 2 गेंदबाज 2-2 ओवर, 2 गेंदबाज 1-1 ओवर यहाँ से शामिल किया जा रहा है। इस बीच अखिलेश सिंह गेंदबाजी के ऊपर, अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से 5वां ओवर, अखिलेश सिंह फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। अब अखिलेश सिंह अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, देखिए जितनी रफ्तार से आई उतनी रफ्तार से मिड विकेट के ऊपर बंटी बॉटल ने बाउंड लाइन की सैर करवाई, यूज एंड आई मैक्सिमम सिक्सर 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 61 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए बंटी पटेल, अभी अभी हमारे मास्टर सर बता रहे थे आवाजों की दुनिया मिथुनदा, वहां पे ISPL की बात की जाए तो बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसमें से बंटी पटेल एक है। फिलस्टाई के ऊपर गेंदबाज फिर से अखिलेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, देखिए सामने इस बीच कड़क बेधड़क सिक्सर, डगआउट में ताली बजी, देखिए सम्मान दिया, बेहतरीन शॉट, बंटी पटेल छा गए इस बीच कड़क बेधड़क। यहां जितनी रफ्तार के साथ गेंद आ रही है उतनी रफ्तार के साथ बाउंड लाइन के बाहर भेजने का प्रयास करते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर रन बन चुके हैं यहां से 67। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी हिट आ चुकी है। अखिलेश गेंदबाजी के ऊपर यहाँ पे टॉस जीता था आरजे ग्रुप ने और फील्ड करने का फैसला किया था, बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया था मयूर 11 राज शक्ति। 67 लॉस ऑफ 3 विकेट, यहाँ से 5th ओवर इन प्रोग्रेस, यानी कि पेन अल्टीमेट ओवर यहाँ प्रगति के ऊपर है। गेंद को छाचा गया, परखा गया, उसके बाद फिर से धमाई जा रही है अखिलेश के हाथ में। बंटी पटेल स्ट्राइक के ऊपर 2 बड़ी हिट आ चुकी है बैक टू बैक, बहुत अच्छी गेंद। देखिए इस बीच वो कहते हैं ना आजकल एक नई गेंद यहाँ
की गई है उसे परफ्यूम गेंद कहते हैं। देखिए मुंह के सामने से चली गई सीधा विकेट कीपर के पास, बहुत बेहतरीन गेंद इस बीच रफ्तार के साथ गुडलैंड स्पॉट से उठी, थोड़ा सा कॉक हुआ और विकेट कीपर के पास ड्राइव किया इस बीच कवर की दिशा में, पीछे खिलाड़ी रिबाउंड लाइन के ऊपर वहां पे जब तक फील करते दो रन पूरे कर लिए थे, करण मोरे थे वहां पे जिन्होंने अच्छा फील किया, तब तक दो रन दो के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर दो रन की बढ़ोतरी जरूर होगी 69 रन। बहुत अच्छी गेंद, देखिए थोड़ा सा आगे आना चाहते थे लेकिन वाइड करा दिया जाएगा, बाहर चली गई थी ऑफ स्टंप के ऊपर, विकेट कीपर के ऊपर गेंद को जब तक गेदर किया जाए वहां से अतिरिक्त रन एक जड़ चुका है और 70 रन बन चुके 70 तीन विकेट के नुकसान के बाद। डाउन द ग्राउंड इस बीच वहां पे बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक का सीधा बाउंड लाइन के बाहर चार रन के लिए बंटी पटेल, जिस प्रकार से गेंद ट्रैवल हुई थी यहां खिलाड़ी गेंद ढूंढ रहे थे उस प्रकार का माहौल ग्राउंड के ऊपर देखने को मिला हमें, कवर के ऊपर बेहतरीन स्ट्रोक बंटी पटेल का और गेंद बाउंड लाइन के बाहर चार रन के लिए, चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन बन चुके 74 रन तीन विकेट के नुकसान के बाद। चार असर या पांच गेंद हो चुकी है 74 रन तीन विकेट के नुकसान के बाद, मयूर 11 राजशक्ति वर्सेस आरजे ग्रुप के बीच में ये मुकाबला। और इस बीच टॉप एज लिया शॉर्ट फाइन ले के ऊपर सुनील चावरी जिन्होंने बहुत बेहतरीन कैच किया 30 यार्ड एज के ऊपर, थोड़ा सा टॉप एज लिया था और बंटी पटेल यहां से जाना पड़ेगा जिन्होंने 8 गेंदों के ऊपर 19 रन बनाए, बहुत ही बेहतरीन 2 सिक्सर 1 चौका 350 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और वहां से अखिलेश सिंह ने विकेट निकाला। अखिलेश सिंह 1 ओवर 19 रन 1 सफलता 19 की इकोनॉमी, 5 ओवर 74 रन 4 विकेट मयूर 11 राजशक्ति। यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से गांधी ग्राउंड भीमराड के ऊपर उपस्थित सभी जनमेदी का यहां से स्वागत करते हैं हम जयसिंह ग्रुप की ओर से, आप यहाँ आए टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, टूर्नामेंट की जो यहाँ पे एक खुशी कही जाती है जो शोभा कही जाती है आपके आने से जो बढ़ गई तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। संकेत टंडेल नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे पहुंच चुके हैं, एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी अगर ओपन टूर्नामेंट की बात की जाए जिसमें संकेत टंडेल बहुत बड़े बड़े मुकाबले खेलते रहते हैं, वैसे यहां से देखा जाए तो बहुत दूर से उपस्थित हुए, वैसे महाराष्ट्र बॉर्डर नारगोल के बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है संकेत टंडेल। एक अच्छी कारकिर्दी की शुरुआत हुई थी और बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम देने का प्रयास करते हुए संकेत टंडेल काफी बड़ी टीम जो गुजरात की कही जाती है उसमें ओपन टूर्नामेंट में खेलने के लिए शामिल किया जाता है संकेत टंडेल को और वो टीम है कप्तान कुल स्नेहल पटेल की टीम। छठा ओवर प्रगति के ऊपर है, वैसे स्लॉग ओवर के बेताज बादशाह राकेश प्रभु माने जाते हैं तो उसको शामिल किया जा रहा है यहाँ पे, वैसे पोलार्ड के नाम से पहचाने जाते हैं राकेश की बात की जाए तो। डाउन द ग्राउंड खेला मिड विकेट डिबाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे करण मोरे जब तक फील करते सीधा थ्रो विकेट कीपर एंड वहां पे आकाश विकेट कीपर के ऊपर अच्छा गैदरिंग किया, एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट हमें जरूर देखने को मिला स्कोर कार्ड के ऊपर, एक रन जरूर जोड़ा जाएगा, एक सिंगल के साथ 75 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान के बाद 75। पचहत्तर रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मयूर 11 राजशक्ति
तीर से बल्ले से सीधा शॉट खेला इस बीच वहां पे विक्रांत जब तक फील करते लॉन्ग ऑन के ऊपर थ्रो हुआ गेंदबाज की और सिंगल रन लेने का समय था और सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर 77 लॉस ऑफ 4 विकेट 6 ओवर इन प्रोग्रेस मयूर 11 76 हुए। स्लोअर गेंद देखिए इस बीच बाएं हाथ के खिलाड़ी जीत पटेल के लिए थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस वो भी गुडलेन स्पॉट के ऊपर थोड़ा सा गेंद के ऊपर दबाव डाला था पीच के ऊपर फेंका गया था इस बीच हैमर किया था उस प्रकार की गेंद हमें देखने को मिली और विकेट कीपर के ऊपर नाइस कैरी विद कंफर्टेबल हाइट आकाश चिंदरिया थोड़े धीप खड़े हुए है। टॉप एज लिया विकेट कीपर के ऊपर आकाश गेंद के नीचे अच्छी पोजीशन और राकेश प्रभु ने यहां से जीत पटेल को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। जीत पटेल ने 6 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए 2 सिक्सर 280 का स्ट्राइक रेट। देखिए यहां पे ये मुकाबले को देखने के लिए काफी सारे लोग दूर दूर से उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे वो कहते हैं ना 100 रुपये का पेट्रोल या डीजल चला कर आए हैं उसका पैसा वसूल होता हुआ क्योंकि बहुत ही नामांकित खिलाड़ी को शामिल किया गया है। और दूसरी बात की जाए तो यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने यूट्यूब के साथ ये टूर्नामेंट के साथ हमारा कॉन्टेक्ट बना के रखा है तो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर सभी दर्शकों का मैं क्रिकेट कॉमेंटेटर राज चौहान हमारे साथी कॉमेंटेटर राजेश आचार्य चिखली से बिलोंग करते हैं आपका हार्दिक स्वागत है। आप इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिए और जयसी ग्रुप को आगे बढ़ाते रहिए। यूट्यूब के जरिए खेत खलियान और चौके चूल्हे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इस टूर्नामेंट को उसका श्रेय जाएगा यहां पे रिंकेश भाई सिंह जिमी दरबार और पंची वाला मास्टर जयसी ग्रुप के सभी मास्टर्स का भी आभार। वीआईपी डायस के ऊपर बैठे हुए हमारे वीआईपी गेस्ट आप नहीं होते तो टूर्नामेंट का ये माहौल नहीं होता, आप नहीं आते तो ये बाहर नहीं आती, तो आपका बहुत बहुत आभार। अच्छी गेंद देखिए वहां पे रन लेने का प्रयास किया जाएगा और स्ट्राइक लेने के लिए विकेट का सैक्रिफिकेशन किया जाएगा साहिल को जाना पड़ेगा। इस बीच रनआउट के रूप में एक और विकेट का पतन हुआ। विकेट कीपर के हाथ में गेंद थी वहां से रन लेना चाहते थे और विकेट का सैक्रिफिकेशन किया वहां साहिल फिर से जा चुके हैं और स्ट्राइक के ऊपर संकेत तंडे ला चुके हैं। स्ट्राइक के ऊपर संकेत तंडेल पहले इनिंग की आखिरी गेंद ड्राइव कर दिया देखिए वहां पे एक्स्ट्रा कॉर्डी बाउंड लाइन के ऊपर एक रन पूरा किया दूसरे के लिए पलटवार करेंगे विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ 2 रन वहां से थोड़ा सा वहां पे मिसफील यानी कि 3 रन। देखिए ये 3 रन महंगे पड़ सकते हैं ऐसा लग रहा है फिलहाल देखा जाए तो 3 रन लेना हाथ में से यहाँ पे 79 रन बने 6 विकेट के नुकसान के बाद अब जीतने के लिए 80 रन का टारगेट है 80 रन बनाना पड़ेगा और कम से कम 13.5 के अवसर से रन बनाना पड़ेगा। अस्सी रन का टारगेट है और यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में स्वागत होगा राजेश आचार्य सर का, वेलकम आपका स्वागत है।
सलामी बल्लेबाज पहुंच जाए प्लीज जल्द से जल्द। तुझे थैंक यू सो मच राज चौहान सर। तो 80 रन की यहां पे चुनौती प्रस्तुत की गई है इस मुकाबले को अगर जीतना है आरजे ग्रुप को और टॉप थ्री जो टीम यहां पे जो हमें दो टीम तो मिल चुकी है मयूर इलेवन जो राज शक्ति जहां पे इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 79 बनाए टॉप थ्री के लिए देखा जाए जयसी इलेवन और डीवी टाइटन्स दो टीमें मिल चुकी है तीसरी टीम की हमें तलाश है। 80 रन बनाए यहां पर 79 बनाए गए हैं मयूर इलेवन राज शक्ति के द्वारा 22 रन राकेश कहर ने बनाया एक बहुत अच्छा लिटल केमियो इफेक्टिव केमियो बंटी पटेल का हमने देखा। जीत पटेल ने भी 14 रन की अच्छी पारी खेली। और गेंदबाजी में देखा जाए तो दो विकेट विक्रांत ने निकाले उसके अलावा इरफान मलिक अखिलेश सिंह और राकेश प्रभु उन्होंने एक एक विकेट निकाला। तब यहां से 80 रनों की चुनौती रखी गई है। इस चुनौती को हासिल करने के लिए ओमकार देसाई और सुनील चावरी की जोड़ी वही गेंदबाजी का भार संभालेंगे पारस नायक अंचली एक्सप्रेस। पारस नायक विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स एंड इन सेकंड ओवर द टारगेट इज 80 हियर फॉर आरजे ग्रुप एंड ओमकार देसाई विल एम्बार्किंग द प्रोसीडिंग फॉर बैटिंग साइड ही इज ऑन स्ट्राइक। और फुलटोस मिला है और अच्छी तरीके से गाइड कर दिया वहां पे यॉर्कर की तलाश कर रहे थे पारस नायक लेकिन 4 रन के साथ यहां पे देख लीजिए पारी का आगाज। जी रिव्यू यहाँ पे लिया गया है थर्ड अंपायर हमारे अर्जुन डंडेल सर एक्शन में आएंगे यहाँ पे ऑन फील्ड अंपायर विल गोइंग टू अपस्टेयर हियर।
तो जी यहां पे नो बॉल करार दी गई है वेस्ट हाइट के ऊपर बीमर गेंद, और अब यहां पे फ्री हिट मिलेगी, बाजुए खोलने का मौका सुनील जी माफ कीजिएगा ओमकार देसाई को। फ्री हिट आई है, पहली गेंद चौके में तब्दील की गई नो बॉल को, बेहतरीन शुरुआत, व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। फ्री हिट के ऊपर अच्छा शॉट, हवा में ऊंची है और राकेश कहर वहां पे फील्डर बन के रह गए, फील्डर थे लेकिन दर्शक बने रहे एक तरीके से। एक अच्छा शॉट, ओमकार देसाई की ये खासियत है, आप देखोगे ना ओमकार देसाई के मैक्सिमम ये जो खेलते हैं ना उनमें आपको एक अलग अंदाज दिखेगा। ये बैकफुट पे रहते हैं, इंतजार करते हैं, अपना वेट पीछे वाले पैर पे ट्रांसफर करते हैं ताकि आगे वाला पैर डायरेक्शन दे सके। और सबसे अच्छी बात कि जब ये खेलते हैं तो हल्का सा फ्लिक ऑफ द रिस्ट करते हैं, इसकी वजह से वो दूरी बहुत आसानी से प्राप्त करते हैं। ये बहुत आसानी से ये मैक्सिमम जड़ सकते हैं, एक मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, अच्छी वापसी पारस नायक के द्वारा। पारस नायक अगर इनकी बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। फिलहाल जो समस्त अनाविल समाज का टूर्नामेंट भी हुआ था नागधरा में, वहां पे भी पारस नायक का परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छा रहा था। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी पारस नायक के द्वारा। फिलहाल स्कोर कार्ड में 11 रन। इस बार वाइड यॉर्कर थोड़ा उसे गाइड करने का प्रयास कर रहे थे ओमकार देसाई, लेकिन एक अच्छी वापसी पहली गेंद जहां पे चौका आया, फिर इसके बाद जो फ्री हिट पे मैक्सिमम आया, लेकिन इसके बाद पारस नायक ने अपनी प्रेस्टीज के अनुसार वापसी की। इस बार ऊपर हवा में, और कोई गलती नहीं की जाएगी वहां पे, बहुत अच्छी तरीके से आसान कैच लिया गया। लालू मरोली जो विकेट कीपर के तौर पे एक अलग भूमिका में आज नजर आए, एक बहुत अच्छा कैच वहां पे, पहला झटका पारस नायक के पास वो हुनर है, उनके पास वो क्षमता है कि वो विकेट टेकिंग एबिलिटी नई गेंद से बहुत ही प्रेसिशन है पारस नायक की बात करें तो। ग्यारह रन के ऊपर पहला विकेट मंगेश वैती ने बल्लेबाज के रूप में आज प्रमोशन बैटिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं। वैसे भी बहुत फ्लेक्सिबल प्लेयर है मंगेश वैती, की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा नाम है, ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बहुत सारा खेलते हैं और एक क्लीन हिटर के रूप में इनको समाविष्ट किया जाता है। तो इस टारगेट को अचीव करने में मंगेश वैती की भूमिका वाकई बहुत अहम रहने वाली है। पारस नायक की गेंदबाजी वाकई कमाल की है, कितने अरसे से हम इनको देखते आ रहे हैं लेकिन आज भी वही रफ्तार, आज भी वही एक्यूरेसी। नए बल्लेबाज मंगेश वैती फील्डिंग का मुआयना करते हुए, बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक फील्डर, एक शॉर्ट मिड विकेट। ये देखिए कमाल की गेंद थी, इन स्विंग डिलीवरी इन टू द राइट हैंड बैटर, इट्स अ परफेक्ट आइडल डिलीवरी फॉर न्यू बैटर, और बिल्कुल फ्लमॉक्स कर दिया बल्लेबाज को मंगेश को। और पहले ओवर के बाद स्कोर कार्ड में गजब का आंकड़ा दिखेगा आपको, एक ओवर आरजे ग्रुप 11 रन एक विकेट, एक ओवर 11 सब चार यहां पे देखा जाते, एक तरीके से एक अच्छा ओवर गुजरा। पहला ओवर बहुत अच्छी तरीके से पारस नायक ने डिलीवर किया जहां पे चुनौती 80 रनों की है।
चुनौती जहां पे 80 रनों की रखी गई है उसके जवाब में पहले ओवर में 11 रन बने हैं। अब गेंदबाजी के ऊपर किसे लगाया जाएगा, एक बहुत अच्छा ये भी एक सवाल है, सवाल संगीन है, जवाब बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा क्योंकि ऑप्शन इनके पास विकल्प बहुत सारे हैं। जब कई बार आपके पास विकल्प ज्यादा होते हैं तो किसका चयन किया जाए वो एक बहुत अहम बात रहती है। तो जी हां, यहां पे लेफ्ट आर्म पेसर के साथ गए हैं राकेश कहर। कमेंट्री बॉक्स एंड से पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आएंगे। रफ्तार के सौदागर है अगर देखा जाए, अहमदाबाद से ये घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहराया है राकेश कहर ने। सीजन के शुरुआत में अक्टूबर महीने में जब यहां पे एसटीपीएल खेलने के लिए आए थे राकेश कहर, एक बहुत बढ़िया कहर मचाया था इन्होंने अपना गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से, भव्य 11 में तब वो खेले थे, लेकिन बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था इनका। राकेश कहर गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक पे सुनील। इस बार एक्रॉस खेले हैं जमीन के समान अंतर अलोंग द ग्राउंड शॉट, जब तक वहां पे उस गेंद को फील्ड की जाएगा आसानी से वो एक रन मुकम्मल किया जाएगा। बारह रन शॉट, ये बड़ा है, बेहतर है, दूर है और ऊंचाई भी मिली है, एक बेहतरीन यहां पे बल्लेबाजी। जैसे ही यहां पे मंगेश द्विवेदी स्ट्राइक के ऊपर आए, एक बिल्कुल इनके रडार में दे बैठे, इन दी आर्क आउट ऑफ द पार्क, दैट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ पावर हिटिंग बाय मंगेश द्विवेदी। स्कोर कार्ड में 18 रन। एक और बड़ा शॉट, ये भी हवा में है, क्या दूरी मिलेगी, जी हाँ डेफिनेटली बैक टू बैक यहां पे मैक्सिमम आते हुए टू इन अ रो हियर, कमाल की बल्लेबाजी यहां पे। जो मैंने बात की थी मंगेश द्विवेदी को यहां पे बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया है, इसका एक ठोस कारण यही था कि आप जाइए काउंटर अटैक आपको करना है, पिंच हिटर की भूमिका आपको निभानी है ताकि ये जो 80 रन का टारगेट है उसमें थोड़ी यहां पे मदद मिले, तो वही काम अभी तक अच्छी तरीके से किया। अब फील्डिंग में परिवर्तन आप देख लीजिए, बंटी पटेल जिनको लॉन्ग ऑन पे लगाया गया है, स्नेहल पटेल खुद मिड ऑन के ऊपर, शॉर्ट मिड विकेट जिमी दरबार, विकेट कीपर के तौर पे जिमी दरबार और अब यहां पे नो बॉल के ऊपर शॉट ये खेला है नजरों के नीचे, फील्डर वहां पे खड़े हैं साहिल वर्मा, अच्छा पीको पर थ्रो था उनका। छिटकी है गेंद वहां पे हाथों से, इस बार बहुत अच्छी तरीके से हवाई यात्रा गेंद को करवाई है हवा में, संकेत टंडेल वहां पे, लेकिन फ्री हिट थी, एक तरीके लगा के शायद 6 रन निकल जाएगी, उतनी ऊंची गई थी, लेकिन वहां पे मौका बना कैच का, लेकिन वहां पे आप देख सकते हैं कि फ्री हिट के ऊपर ओनली रन आउट कैन कंसीडर। तो अब यहां पे स्कोर कार्ड में नजर आएंगे आपको 27-27 रन, अच्छी बल्लेबाजी यहां पे, एक तरीके से मंगेश द्विवेदी ने थोड़ा मोमेंट बदल के रख दिया आके। फुल टॉस मिली यहां पे, खराब गेंद थी,
और ये रुकने वाला नहीं है, अनस्टॉपेबल। मंगेश स्वैती इनके आर्क में आ गई, इनके रडार में आ गई, मतलब ये गेंद बाहर जाएगी। खुद से यदि अगर मैं हार गया तो अलग बात है, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मुसीबतों से कह दो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि मंगेश रुकने वाला नहीं है। क्या यहां पे बल्लेबाजी इस ओवर में इन्होंने की है, जितनी गेंदें इनके रडार में आई है, इनकी आर्क में आई है ना, इन्होंने इनसे डिपॉजिट किया है बाउंड्री लाइन के लिए। स्कोर कार्ड में 33 रन बन गए हैं, आप देख सकते हैं पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, एक गेंद बची है जी, अभी भी 33 रन बन गए हैं। तैतीस रन अभी भी, 47 रन चाहिए। क्या बल्लेबाजी यहां पे मंगेश वैती के द्वारा। बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी, सोडाम जैप पुल, वहां पे फील्डर हालांकि साहिल खड़े हैं और अच्छी तरीके से वहां पे रोका, अच्छा पिकअप और थ्रो, एक ही रन वहां पे लेने का पर्याप्त मौका। फिलहाल 34 आरजे ग्रुप 34 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे, अभी भी जीतने के लिए 46, 46 रनों की जरूरत है, 24 गेंदें बची है। देखा जाए तो पिछला ओवर महंगा रहा, जहां पे राकेश कहर के 23 रन आए। चौतीस रन, पिछला ओवर थोड़ा महंगा रहा राकेश का, पारस नायक फिर से गेंदबाजी के ऊपर। पारस नायक फिर से गेंदबाजी के ऊपर, फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन किया जाएगा, अब पांच फील्डर बाहर नजर आएंगे आपको। हवा में बहुत ऊंची उठी है फील्डर उसके नीचे, लेकिन वहां पे बंटी पटेल खड़े थे, ज्यादातर वो गलती करते नहीं, बहुत सबसे सेफ पेयर ऑफ हैंड्स माने जाते हैं, सबसे सेफ कैचर माने जाते हैं। एक आसान कैच वहां पे उन्होंने मुकम्मल किया और 34 के ऊपर यहां पे दूसरा झटका जो खतरनाक लग रहे थे, जो सबसे खतरनाक यहां पे लग रहे थे। मंगेश वैती एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया, लुकिंग फॉर अ बिग शॉट बट स्ट्रेट अप इन द एयर, फाइंड द फील्डर एट मिड विकेट एरिया, बंटी पटेल इज देयर, मेक्स नो एनी मिस्टेक। और अब यहां पे 34 रन दूसरा झटका, पारस नायक के खाते में यहां पे सफलता। प्रशांत गरत ने बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में चौथे क्रम पे, जो देखिए यहां पे अगर आपको गेंद बदलना है तो फिर आप तीन ओवर के पहले आप यहां पे बदल सकते हैं, उसके बाद चौथे पांचवें ओवर में आप फिर गेंद नहीं बदल पाएंगे, एक रूल्स यहां पे बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रशांत गरत अब बल्लेबाजी के ऊपर आए हैं,
अच्छी गेंदबाजी पारस नायक के द्वारा बेहतरीन तरीके से फंसाया वहां पे मंगेश को, क्योंकि ज्यादातर वो बल्ले चला रहे थे, काफी तेज गति से बल्ला इनका चल रहा था तो एक बाउंस वाली गेंद में फंसाया। बंटी ने बहुत अच्छा कैच लिया, एक अच्छे कप्तान है अगर स्नेहल की बात की जाए तो। और यहां पे प्रयास कमाल का था, इट्स ऑन पैरेलल डेडिकेशन, ये जो प्रयास था ना वाकई मेहमानों का एफर्ट ऑफ द डे, जहां से इन्होंने जंप लगाया, जहां से इन्होंने अपनी दौड़ लगाई थी नहीं, वो वाकई काबिले तारीफ फन डाइविंग एफर्ट सामने की दिशा में, ऐसा लगा जैसे वो कहते हैं ना कई कबार वो गेंद के ऊपर जो शिकारी झपटे, पाउंस लाइक अ प्रेडेटर्स, उस तरीके से झपटे वहां पे। डू और डाई वाला मुकाबला, इस बार ये शॉट देख लीजिए सुनील चावरी का, बहुत अच्छी तरीके से इंप्रोवाइज किया, लेकिन फील्डर वहां पे खड़े, लेना रन चाहते थे दूसरा सुनील, लेकिन मना किया, संकेत वहां पे खड़े थे फील्डर के तौर पे, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने गेंद को वापस किया। आप उत्साह देख लीजिए दोनों टीम में, खास करके फील्डिंग में जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एफर्ट लगा रहे वो देख लीजिए। फिलहाल स्कोर कार्ड में 36 रन। फुल टॉस लेकिन तेज गति से आई थी, ये पारस नाइक की एक खासियत है कि ज्यादातर ये है ना यॉर्कर बहुत तलाश करते हैं, जो काम कई साल पहले यॉर्कशायर काउंटी वाले किया करते थे ना वो काम यहां पे पारस नायक ने किया है। वो लगातार 6 में से 4 गेंदें कंटिन्यू ऑलमोस्ट ये ब्लॉक में डालने का प्रयास करते हैं, सफलता भी इनको बहुत मिलती है और वो भी क्या गति के साथ डालते हैं, जो शोल्डर का इस्तेमाल जो ये करते हैं, जो गति प्रोवाइड करते हैं ना, अनबिलीवेबल। इस बार भी वही प्रयास था, इनसाइड आउट शॉट खेलना चाहते थे लेकिन एक्स्ट्रा कवर पे डीप में बंटी खड़े उनका, ये देख लीजिए पिकअप और थ्रो अच्छा लेकिन थोड़ा ज्यादा ऊपर से निकल गया। एक तरीके से देखा जाए काफी तेज गति से आए थे बंटी वहां पे लेकिन थोड़ा ज्यादा ऊपर से थ्रो निकल गया। और अब यहां पे 39 39 रन, हर एक गेंद का कॉन्टेस्ट है, हर एक गेंद की यहां पे इंडिविजुअल लड़ाई है, हर एक गेंद की अपनी कीमत है। हवा में बहुत ऊंची उठी है फील्डर, उसके नीचे संकेत, लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी, पहुंच नहीं पाए वहां पे, रन तो वहां पे एक ही प्राप्त होगा, दो माफ कीजिएगा वहां पे, और 41 41 रन। तो 3 ओवर यहां पे समाप्त होने के बाद आरजे ग्रुप 41 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जीतने के लिए 39 39 रन चाहिए 18 गेंदों में, 39 रन रिक्वायर इन 18 बॉल्स, तो ये कैसे बनाए जाएंगे, 39 रनों की कहानी कैसे लिखेंगे यहां पे आरजे ग्रुप के बल्लेबाज, लेकिन उसे कैसे बचाएंगे स्नेहल की ये पूरी पलटन, तो वो कहानी आपके सामने लेके आएंगे हमारे साथी सहयोगी कॉमेंटेटर मिस्टर राज चौहान, स्वागत है आपका।
थैंक यू राजेश आचार्य सर। इस बीच स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर के बाद 41 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद आरजे ग्रुप वर्सेस राज शक्ति के बीच में मुकाबला है। यहाँ पे 79 यानी कि 80 रन का टारगेट है। अब आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 39 रन चाहिए, 18 बॉल में 39 रन जो ये मैच जीतने के लिए। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्नेहल पटेल एक मैजिशियन क्योंकि जानते हैं एक एक दो से लंबा फर्क पड़ेगा नहीं, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। और 4th ओवर की शुरुआत हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो सुनील चावरी और प्रशांत गरत विकेट के ऊपर मौजूद है। दोनों के पास वो दमखम वो कैपेसिटी है मैच का रुख बदलना जानते हैं। उसी प्रकार से यह गेंदबाज के रूप में जो स्नेहल पटेल है वैसे एक बहुत ही बेहतरीन नामांकित वैसे घरेलू क्रिकेट सूरत की ओर से खेला करते हैं एक बहुत बड़े नामांकित गेंदबाज स्नेहल पटेल। देखिए अच्छा शॉट इस बीच राकेश कहार वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर थर्ड सर्कल के अंदर थोड़ी सी मिसफील हुई, नतीजा 2-1 get 1 free। देखिए वहां पे 2 रन पूरे किए। अब 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 44 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 44 रन बन चुके हैं। और बेहतरीन तरीके से आने वाली 16 गेंदों का खेल बाकी है और 36 रन चाहिए। 16 गेंद 36 रन, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत अहम मुकाबला है। यह दोनों खिलाड़ी ने 7 गेंद का सामना किया और 10 रन की पार्टनरशिप कर ली है। यहाँ पे सुनील चावरी और प्रशांत गरत फ्रॉम महाराष्ट्र एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है आरजे ग्रुप की ओर से। वैसे आरजे ग्रुप के ओनर की बात की जाए तो रघुभाई और जुगल भाई ने एक जुगल जोड़ी वाली टीम बनाई है। बल्ले का टॉप है जिस बीच वहां पे नो मैन लैंड में टप्पा खाएगी 2 खिलाड़ी, लेकिन दोनों को वाइड खड़ा किया गया था। वाइड फाइन लेग थर्ड या सर्कल के अंदर और वाइड थर्ड मैन के ऊपर टप्पा खाया को 1 रन वहां से 45 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 44। 15 गेंद 35 रन, 15 गेंद का खेल बाकी है, 35 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। फिलहाल वहां पे प्रशांत पहुंच चुके स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर सुनील। फील्डिंग देखा जाए तो थर्टिया सर्कल के अंदर, देखिए मिड ऑफ थर्टिया सर्कल के अंदर चीत पटेल है, पॉइंट थर्टिया सर्कल के अंदर पारस नायक शॉट फाइन लेग शॉट थर्ड मैन। इस बीच विकेट कीपर थोड़े क्लोज है दबाव बनाने का प्रयास करते हुए, स्लॉगशिप का प्रयास विकेट कीपर के ऊपर। लालू वहां पे थोड़े से लड़खड़ा है लेकिन बहुत रफ्तार के साथ एक अच्छा स्प्लिंटर ने दिखाया फील्ड किया। वैसे देखा जाए तो ये टूर्नामेंट ओपन टूर्नामेंट है, जैसे इसमें अगर थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक करोगे वहां से रन चला जाएगा। लालू ने अच्छा गेदर किया, अच्छा बैकअप किया बहुत बेहतरीन तरीके से। 45 के ऊपर अभी भी 14 गेंद 35 रन, आने वाली 14 गेंदों के ऊपर 35 रन चाहिए। चेंज अप पेस और देखे पड़ा और चढ़ा लॉन्ग ऑन के ऊपर से कड़क बेधड़क सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 51 रन 51 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। प्रसन्न का एक बेहतरीन सिक्सर और मैच में चांदपुरता वाला शॉट है 51 रन। देखिए वहां पे आने वाली 13 गेंदों का खेल बाकी, 29 रन 13 गेंद 29 रन। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे गेंद थोड़ी सी ड्यू फैक्टर देखा जाए तो कल की गिनती में आज बहुत कम ड्यू फैक्टर है। यहाँ पे शबनम कल से कम गिरा है सूरत गांधी ग्राउंड भीमराड के ऊपर। एक अच्छा टूर्नामेंट जैसी ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट प्राइम चैंपियनशिप ऑफ सूरत जिसको एक टैगलाइन दिया गया है। और जय और शिव यानी कि पंछी वाले मास्टर के सुपुत्र जय और शिव के नाम के ऊपर से जय शिव कप जिसको नाम दिया गया। रफ्तार के साथ इस बीच डाउन द ग्राउंड खेला वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर
पीछे राकेश कहार सीधा जब तक थ्रो करते दो रन मुकम्मल कर चुके थे। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन, बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन, देखिए क्या रन लिया। वो कहते हैं ना घर वाले घर नहीं किसी का डर नहीं, उस प्रकार से दो रन पूरे किए थे, हाथ से रन लिए। राकेश कहार वहां पे पहुंचे जरूर थे लेकिन वहां से दो रन पूरे कर चुके थे। 4 ओवर 53 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद 12 गेंदों के ऊपर 27 रन चाहिए। 12 गेंद 27 रन, आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी, 27 रन चाहिए। दोनों खिलाड़ियों को बीच में 11 गेंदों के ऊपर 19 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। स्नेहल ने 1 ओवर किया, 12 रन दिए। अब कौन से गेंदबाज के ऊपर विश्वास जताया जाएगा, कौन सा गेंदबाज वहां पे गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि बहुत गिनती करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी वाले ओवर में किसको थमाया जाएगा, ए ओवर कौन करेगा, उसके ऊपर पूरा मुकाबला चलेगा। वैसे जीत पटेल भी एक है वहां खजुरडी एक्सप्रेस के रूप में, बाएं हाथ के गेंदबाज बंटी पटेल भी मौजूद है। अब कौन से गेंदबाज, दिव्य सुखा भी है वैसे लोकल बॉय सूरत के, बहुत बेहतरीन गेंदबाजों को शामिल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में। राकेश कहार का भी 1 ओवर बाकी है। वैसे वहां पे पारस नायक ने 2 ओवर जरूर पूरे किए थे, 18 रन दिए थे, 2 सफलता हासिल की थी। बंटी पटेल के हाथ में गेंद थमाई गई है। इस बीच यहाँ पे आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 27 रन चाहिए, 12 गेंद 27 रन। बंटी पटेल स्ट्राइक के ऊपर, सुनील चावरी 7 गेंदों के ऊपर 10 रन अभी तक। चावरी के बल्ले से चौका या सिक्सर आया नहीं, वैसे डगआउट से मांग है बड़ी हिट की, अब लगाना पड़ेगा क्योंकि मैच बहुत ही अहम है। जो जीतेगा आगे बढ़ेगा सुपर थ्री में, जो हारेगा उसका सफर रुक जाएगा। जय शिव ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में। अब इस बीच यहाँ पे देखिए हुक कर दिया, स्क्वायर लेग रिबाउंड लाइन के ऊपर, गेंद के नीचे वहां पे जंप करने के बाद फील करने का प्रयास किया और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। देखिए मौका बना था, मौके का फायदा नहीं उठा पाए।
57 रन बन चुके हैं यहाँ पे दो विकेट के नुकसान के बाद। पांचवें ओवर की शुरुआत 11 गेंदों के ऊपर 23 रही है, 11 गेंद 23 रन मैच जीतने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर सुनील चावरी अभी भी मौजूद है, वैसे एक चौका जरूर मिला उसके। बंटी पटेल तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और वहां पे बल्लेबाज भी तैयार है बाएं हाथ के सुनील चावरी। एक चौका जरूर आया था मिसफील के कारण। आने वाली 11 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए और स्मिथ बहुत अच्छा शॉट, देखिए वहां मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर और अच्छा कैच। सुनील चावरी की पारी खत्म हुई, वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के ऊपर करने का प्रयास किया था, वहां पे कोई गलती नहीं हुई और विकेट का पतन संकेत टंडेल ने कैच किया और विकेट नंबर यहां से एक और पतन। सुनील चावरी 14 रन बनाए, 8 गेंद एक चौका और 125 का स्ट्राइक रेट के साथ बंटी ने विकेट लिया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां पे सुनील कर रहे थे, विकेट लेने में कामयाब हुए। अब नए बल्लेबाज के रूप में आकाश चिंदरिया ने प्रस्थान कर लिया है अपने डगआउट की ओर से सुनील चावरी का स्थान लेने के लिए। सत्तावन रन बन चुके, देखिए ब्रेक थ्रू जरूर मिला है वहां पे। अभी भी आने वाली 10 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए, 10 गेंद 23 रन, 10 गेंद 23 रन। देखिए यहां दिमाग में कैलकुलेट शुरू हो चुका है आखिरी ओवर में कितने रन आना चाहिए और किस प्रकार से गेंदबाजी करनी चाहिए। दोनों बल्लेबाज भी सोच रहे हैं कि आखिरी ओवर में कितने रन हम बना पाएंगे, कौन गेंदबाज आएगा। बहुत सारे सवाल जवाब है जहन में, लेकिन उसका जो जवाब है हमारे दर्शक मित्रों को मिलेगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस ओवर की 4 गेंद और आने वाली 6 गेंद यानी कि 10 गेंद 23 रन, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी, किसकी सल्तनत में कौन आग लगाएगा यहाँ पे, मयूर 11 राजशक्ति या राज आरजे ग्रुप। यस बंटी फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, पिछली गेंद के ऊपर सफलता हासिल की है बंटी ने और अच्छा शॉट इस बीच गेंद हवा में और वहां पे और राकेश कहार बैक टू बैक दो विकेट। देखिए वहां पे आकाश चिंदरिया गोल्डन डक का शिकार किया, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद करने का प्रयास किया था जिसको लॉफ्ट करना चाहते थे, वहां मिड विकेट काउ कॉर्नर के बीच में राकेश कहार गए और एक अच्छा कैच किया, सफलता हासिल की। बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए दो गेंदों के ऊपर दो विकेट ले चुके हैं और प्रीतम बारी ने बल्लेबाज के रूप में आकाश सिंधरिया का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं। गोल्डन डक हुए है वहां से आकाश सिंधरिया। नौ गेंदों के ऊपर 23 रन, 9 गेंद 23 रन, मैच बदलेगा, मैच का समीकरण बदलेगा। देखिए वहां पे बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी के ऊपर बंटी पटेल को शामिल किया जिन्होंने बैक टू बैक दो विकेट जरूर निकाले। अब हैट्रिक के ऊपर है, अब हैट्रिक होगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। इस टूर्नामेंट के एक ही हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज है, वो भी वहां से डीवी टाइटंस की ओर से मौलेश पटेल, कल शाम को हैट्रिक विकेट किया था। फिर से एक बार बंटी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, नए बल्लेबाज के रूप में प्रीतम बारी वहां पहुंच चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। देखिए बहुत बार एक दूसरे के साथ खेलने के लिए एक दूसरे को बखूबी पहचानते हैं, उस प्रकार के सभी खिलाड़ी आमने सामने ऑल इंडिया के स्टार को यहां पे शामिल किया जा रहा है। आरजे ग्रुप मयूर 11 राजशक्ति की ओर से जय शिव ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट। बंटी पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर हैट्रिक गेंद लेके तैयार है।
और इस बीच वहां डाउन द ग्राउंड खेला, वहां पे जीत पटेल जब तक फील करते एक रन पूरा किया सिंगल के साथ, एक रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर और वहां से 58 रन हुए चार विकेट के नुकसान के बाद 58। 8 गेंद 22 रन, आलेवारी 2 गेंद बहुत ही निर्णायक है। स्ट्राइक के ऊपर वहां से पहुंच चुके प्रशांत गरत, वैसे प्रशांत गरत की बात की जाए तो 6 गेंदों के ऊपर 11 रन। प्रशांत गरत के बल्ले से एक सिक्सर जरूर आया था, बंटी 2 विकेट ले चुके इस ओवर में। और इस बीच घूम के खेला और सीधा दो खिलाड़ी के बीच में से गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए सही समय के ऊपर। देखिए बॉडी को ट्विस्ट किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका बटोरा, सही टाइम के ऊपर चौका, यानी कि 62 रन 62 चार विकेट के नुकसान के बाद मैच का समीकरण फिर से बदलता हुआ 7 गेंद 18 रन, 8 में 22 था अब 7 में 18। देखिए सातवें नंबर वाली गेंद बहुत निर्णायक है, इसके ऊपर कितने रन आएंगे। वैसे प्रशांत गरत 7 गेंद 15 रन, एक चौका एक सिक्सर, 225 का स्ट्राइक रेट। बंटी पटेल गेंदबाजी के ऊपर 10.5 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट ले चुके हैं। अब इस ओवर की आखिरी गेंद यानी सातवें नंबर वाली गेंद, फुल टॉस गेंद और फ्लिक कर दिया पीछे खिलाड़ी गेंद के नीचे साहिल और अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन। बंटी पटेल ने 3 सफलता हासिल की, छा गए। देखिए यहाँ उसकी गेंदबाजी में मैजिक भी था, लॉजिक भी था। वो कहते हैं ना, अच्छे इंसान अच्छी किताब और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, उस प्रकार से अच्छे गेंदबाज भी समझ में नहीं आते। बंटी पटेल ने 3 सफलता हासिल की इस ओवर में और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। 5 ओवर 62 रन 5 विकेट, 6 गेंदों के ऊपर 18 रन चाहिए। प्रशांत गरट आउट होने के बाद पेवलियन की ओर रुक कर चुके हैं, एक सिक्सर एक चौका उसके बल्ले से जरूर आया। करण मोरे नए बल्लेबाज के रूप में, आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 18 रन चाहिए। अब यहां गेंदबाजी के ऊपर स्नेहल पटेल टीम के कप्तान, इस बीच गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है, अपने आप के ऊपर भरोसा जताया स्नेहल ने। वैसे लोकल बॉय है, होम विकेट है, होम ग्राउंड है, अब क्या होगा, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, सुपर 3 में प्रवेश करना है। करण मोरे पहुंच चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर, देखिए बंटी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, एक ओवर में यहां से 9 रन दिए, 3 सफलता हासिल की, 9 की इकोनॉमी के साथ फिर से अपने फील्डिंग के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब स्नेहल पटेल आने वाली 6 गेंद 18 रन और स्ट्राइक के ऊपर वहां से प्रीतम बारी, नौ स्ट्राइक गेंद के ऊपर करण मोरे, केतन आहिर मेन एम्पायर की भूमिका में और प्रतीक पटेल वहां से स्क्वायर लेग के ऊपर, अर्जुन टंडेल सर हमारे साथ कॉम बॉक्स में। फ्लिक करने का प्रयास किया वहां पे, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया, वाइड करार दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जाएगा, एक अतिरिक्त के साथ एक रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर, एक रन जुड़ चुका है, अब 17 चाहिए। आने वाली 6 गेंदों का खेल बाकी, 17 रन। चेंज ऑफ पेस किया, चेंज ऑफ पेस किया, देखिए वहां बल्लेबाज पड़े, उससे पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर बंटी ने पढ़ लिया था कि लीगल डिलीवरी जाने वाली है और डॉट जाने वाली है। देखिए इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा एंटिसिपेशन यहां से देखने को मिला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंदाजा। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, लॉन्ग अप डी बाउंड लाइन के ऊपर जीत ने वहां पे फील किया, जब तक थ्रो किया जाए रनआउट के रूप में एक और विकेट जाएगा। देखिए रनआउट के रूप में करण मोरे को यहां से शायद जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीतम बारी वहां क्रीज के अंदर थे, स्ट्राइक छोड़ा नहीं था, रनआउट के रूप में जीत पटेल ने थ्रो किया स्नेहल की ओर, स्नेहल ने थ्रो किया लालू मरोली की ओर और विकेट से दामन छूटा करण मोरे का। नए बल्लेबाज के रूप में इरफान मलिक
इरफान मलिक वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करने वाले, झारखंड फिलहाल प्रस्थान कर चुके हैं। चौसठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर, चार गेंदों के ऊपर 16 चाहिए, चार गेंद 16 रन, कौन जीतेगा कौन हारेगा? स्नेहल पटेल जिस काम के लिए जाने जाते हैं वही काम करते हुए इस बीच बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास किया। अब वहां पे दोनों खिलाड़ी है, स्नेहल पटेल फील्डिंग का मुआयना करते हुए सभी खिलाड़ियों के साथ देख के तालमेल बढ़ाते हुए, देखिए इसे भी एक एनर्जी क्रिएट होती है, वही काम करते हुए अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी इरफान मलिक स्ट्राइक के ऊपर है और स्नेहल चाडुगर गेंदबाजी के ऊपर। थैंक यू स्नेहल पटेल। फुल टॉस गेंद इस बीच स्लाइस करना चाहते थे और वहां पे बंटी पटेल ने फील्ड किया, गेंद हवा में रही थी, एक सिंगल रन सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 65 रन 65। अब आने वाली तीन गेंदों के ऊपर 15 रन, तीन गेंद 15 रन, कौन जीतेगा? मयूर 11 राजशक्ति या आरजे ग्रुप? सबकी निगाह विकेट के ऊपर, देखिए आशा और उम्मीद दगआउट में अभी भी जिंदा है। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, वहां पे जीत पटेल जब तक फील करते एक रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल के साथ चौका। यार दर्शक लोग यहां खड़े हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए क्या बोले, हमने तो ऐसा लगा कि फील्ड हुआ, चौका चला गया था, वहां से चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन की बढ़ोतरी, 69 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद, दो गेंद 11 रन, यानी कि एक बड़ी हिट यहां से आरजे ग्रुप मैच में वापसी करेगा, एक डॉट गेंद यहां से मयूर 11 राजशक्ति वापसी करेगा। अब कौन वापसी करेगा? ए वाली गेंद यानी कि पांचवें नंबर वाली बहुत ही निर्णायक गेंद है, बहुत बेहतरीन यहां पे स्नेहल पटेल गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर प्रीतम बारी। और देखिए बाहर जाएगी सीधा 6 रन, मैच में वापसी, मैच में वापसी, देखिए बेहतरीन तरीके से प्रीतम बारी, एक चौका एक सिक्सर, अब आखिरी गेंद और 5 रन, टाई होगा तो यहां पे सुपर ओवर होगा, टाई होगा तो सुपर ओवर होगा, एक गेंद के ऊपर 5 रन चाहिए, एक गेंद 5 रन। यस यस, आने वाली एक गेंदों के ऊपर 5 रन, बहुत बेहतरीन प्रीतम बारी छा गए, बहुत बेहतरीन तरीके से बेहतरीन, जीतने के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा कौन चाहिए, अब स्नेहल का कौन उबाल करेगा या प्रीतम बारी का, और आरजे ग्रुप वर्सेस मयूर 11 राजशक्ति, कौन जीतेगा एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला? सुपर थ्री में प्रवेश करना है, मैच बदलता हुआ, मैच का रिजल्ट बदलता हुआ, स्नेहल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर प्रीतम बारी, आखिरी गेंद 5 रन, आखिरी गेंद 5 रन, और वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से स्नेहल ने आखिरी गेंद डॉट कर दी, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी काफी रफ्तार के साथ, और यह गेंदबाजी के ऊपर जादूगर कहा जाता है स्नेहल को, जिन्होंने अपना जादू चलाया और मैच हासिल कर लिया, और यहां सुपर थ्री में प्रवेश कर चुकी है मयूर 11 राजशक्ति। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन, लाजवाब परफॉर्मेंस, आरजे ग्रुप के खिलाड़ियों का जरूर सराहना करूंगा, बहुत बेहतरीन आखिरी गेंद तक मुकाबला गया, पैसा वसूल मुकाबला, जो भी है दर्शकों का पैसा वसूल, खिलाड़ियों का पैसा वसूल, ऑनर का पैसा वसूल मुकाबला, बेहतरीन परफॉर्मेंस, और हमारे दर्शक ने एक हाथ से कैच बहुत अच्छा किया था यहाँ पे, बेहतरीन तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस। देखिए जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिश से जिंदगी जीने का तमन्ना देती है, उस प्रकार का माहौल है। वेल एंड कांग्रेचुलेशन।